आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा विंडोज है, विंडो 10 है कि विंडो 11 है, कैसे चेक करें, कैसे आप लोग विंडो 11 की जानकारी निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सर्च बार होता है आपके लैपटॉप में नीचे की साइड में जो विंडो आइकॉन है इसके साइड में सर्च बार होता है, यहाँ पर आपको टाइप करना है SYSTEM। सिंपली यहाँ पर सिस्टम आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो एक ऐप यहाँ पर आ जाएगा, सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इस सिस्टम इन्फॉर्मेशन में इतने ही मतलब जितने भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, जो भी विंडो 10 होगा कि विंडो 11 होगा या फिर विंडो 7 होगा कि विंडो 8 होगा, उन सभी की जानकारी आ जाएगी कि आपके लैपटॉप में कौन सा विंडोज डला हुआ है या फिर इंस्टॉल्ड है। तो सिंपली आपको इस सिस्टम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी एक साथ में ही आ जाएगी और यहाँ देख सकते हैं कि OS का नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 प्रो लिया दिया गया है। वर्जन कौन सा है OS का वो भी यहाँ पर दिया गया है कि 10.0.2020.621 बिल्ड एंड यहाँ पर 2020.621। ओके, अदर OS डिस्क्रिप्शन के बारे में भी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। मैन्युफैक्चरर कौन है, मतलब आपके जो विंडोज है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यहाँ पर दिया गया है। सिस्टम का नाम दिया गया है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन है, गीगाबाइट टेक्नोलॉजी दिया गया है। सिस्टम का मॉडल क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है। सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट यानी PC है, ये जैसे बोलते लोग 32 बिट है कि 64 बिट है, तो ये 64 बिट है। इसके अलावा आपका लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर उसका प्रोसेसर कौन है, तो मेरे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है इंटेल कोर TMI5 10400F CPU एंड यहाँ पे इसकी स्पीड है 2.90 GHz, ठीक है, और यहाँ पर 6 कोर का ये PC है जो मेरे पास है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, जैसे कि हमारे जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर में रैम कितनी है, फिजिकल इंस्टॉल्ड फिजिकल मेमोरी रैम कितनी है, तो 8 GB रैम है, कितना यूज हो रहा है, कितना फ्री है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूरा आप जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, एक क्लिक में आप लोग जान सकते हैं कि आपके लैपटॉप में कौन सा विंडो है कौन सा विंडो नहीं है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी।